हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे, प्रगति इंस्टीट्यूट सरकंडा बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे द्वारा पिछले वीडियो में सीजीपीएससी मेंस के पेपर 6 दर्शन शास्त्र के अंतर्गत वेद उपनिषद के टॉपिक पर वीडियो बनाया गया और उसके पश्चात वेद उपनिषद के अंतर्गत ही ब्रह्म विचार पर आप सभी से वीडियो के माध्यम से एक विस्तृत चर्चा किया गया। ब्रह्म विचार का जो टॉपिक था उसके संबंध में मैंने पहले ही आपको एक बात पिछले वीडियो में बताया था। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि ब्रह्म विचार ये जो टॉपिक है हमारे सीजीपीएससी मेंस के पेपर नंबर 6 में जो दो जगहों पर इसका वर्णन है, एक उपनिषद के अनुसार ब्रह्म की अवधारणा और दूसरा शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म की अवधारणा, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। पिछले वीडियो में मैंने उपनिषद के अनुसार ब्रह्म विचार या ब्रह्म की अवधारणा को स्पष्ट किया था। आज मैं शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म विचार ये आज का टॉपिक है जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। शंकरा कॉन्सेप्शंस ऑफ एब्सोल्यूट, इस टॉपिक पर मैं आपसे शंकराचार्य ने ब्रह्म के बारे में अपनी क्या व्याख्या प्रस्तुत की इसको आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। शंकराचार्य ब्रह्म विचार में या एब्सोल्यूट के संबंध में अपना जो कॉन्सेप्शन रखते हैं उसके संबंध में सबसे पहले वो एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करते हैं और वह श्लोक है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो ना परः। इस श्लोक के माध्यम से शंकराचार्य यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि पूरी सृष्टि में ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त से सभी वस्तुएं, चाहे वह जगत हो, ईश्वर हो या जीव हो, सभी के सभी असत्य हैं। इस प्रकार शंकराचार्य ब्रह्म की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ही एक मात्र सत्य, सर्वोच्च शक्ति, अनंत, सर्वशक्तिमान, ज्ञान का आधार और जगत का आधार है। सर्वशक्तिमान, नित्य, अनंत, जगत का सार और ज्ञान का आधार है। शंकराचार्य ने अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए सत्ता की तीन कोटियों के माध्यम से ब्रह्मा को स्पष्ट किया। वेदांत में सत्ता की तीन कोटियाँ वर्णित की गई हैं और सत्ता की तीन कोटियाँ जो वर्णित की गई हैं वो निम्न रूप में हैं। सत्ता की पहली कोटि को कहते हैं प्रतिभासिक सत्ता। प्रतिभासिक सत्ता के अंतर्गत वे विषय रखे जाते हैं जो स्वप्न या भ्रम के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ऐसे विषय जो स्वप्न या भ्रम के अंतर्गत हों उसे प्रतिभासिक सत्ता कहा जाता है। ये वो विषय होते हैं जो सिर्फ क्षण भर के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति स्वप्न से जागृत अवस्था में आया, वे सभी वस्तुएं, वे सभी विषय का लोप हो जाता है, इसलिए इसे प्रतिभासिक सत्ता कहा गया। दूसरा जो सत्ता की कोटि रखा गया उसे कहा जाता है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत वे सभी विषय आते हैं जो जागृत अवस्था में होते हैं, जिन्हें हम जागृत अवस्था में, मूर्त अवस्था में देख पाते हैं, वे सभी विषयों को व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पंखा, टेबल, ये बोर्ड, लेक्चर स्टैंड, मैं, हम सब व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो सत्ता, जो सत्ता की तीसरी कोटि के रूप में शंकराचार्य जी या वेदांत दर्शन में प्रतिपादित किया गया है, वह है परमार्थिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता वह सत्ता है जिसे शुद्ध सत्ता कहा जाता है। यह वह सत्ता होता है जिसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती, न ही इसमें किसी प्रकार की बाधा की कल्पना भी की जा सकती है। शंकराचार्य ने परमार्थिक सत्ता के अंतर्गत ही ब्रह्म को रखा है। वे परमार्थिक सत्ता के अंतर्गत ब्रह्म को रखते हुए ब्रह्म के संबंध में यह बात कहते हैं कि ब्रह्म अनंत, अविशेष, निराकार, निर्गुण एवं एकमात्र सत्य है। ये पूरी की पूरी सृष्टि ब्रह्मा का ही विवर्त है, अर्थात इसी आधार पर शंकराचार्य ने कहा है
कि इस सृष्टि का कारण ब्रह्मा है। मैं इसकी व्याख्या आपको और आगे स्पष्ट करूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि ब्रह्म कारण से परे है, पर यहाँ पर शंकर कहते हैं कि ब्रह्म इस सृष्टि का कारण है, इस बात की मैं व्याख्या करूंगा। तो मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि शंकराचार्य ने सत्ता के तीन कोटियों में ब्रह्म को परमार्थिक सत्ता के अंतर्गत रखा है, और परमार्थिक सत्ता के अंतर्गत ब्रह्म को रखते हुए वे ब्रह्म की निम्न बिंदुओं में व्याख्या करते हैं। मैं उन सभी बिंदुओं को बारी बारी आपको स्पष्ट करते हुए चलता हूँ। मैं इस साइड पे शंकर के अनुसार जो ब्रह्म की अवधारणाओं की व्याख्या की गई है उसे बारी बारी स्पष्ट करते हुए चलता हूँ। अब ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट जिसके संबंध में शंकराचार्य जी ने ब्रह्म की व्याख्या की वह यह कि ब्रह्म निर्गुण है। कहने का आशय यह है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का गुण नहीं है, ब्रह्म गुणों से रहित है, ब्रह्म निर्विशेष है, निर्गुण है, निराकार है, इस रूप में ब्रह्म की व्याख्या की है। गुणों से रहित है कहने का मतलब यह नहीं कि वह गुणों से शून्य है, कुछ गुण हैं परंतु गुण विहीन है, इस रूप में वह उसकी व्याख्या करता है। दूसरा व्याख्या जो ब्रह्म के संबंध में कहा गया है शंकर के द्वारा वह है कि ब्रह्म एकमात्र सत्य, ब्रह्म एकमात्र सत्य एवं पूर्ण है। कहने का आशय यह है कि ब्रह्म ही इस पूरे सृष्टि का एकमात्र सत्य, परम तत्व, परम सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिमान के रूप में उसकी परिभाषित किया गया है। तीसरा पॉइंट जो ब्रह्म के संबंध में शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है वह ये कि ब्रह्म ही ज्ञान एवं जगत का आधार है। ब्रह्म ही ज्ञान एवं जगत का आधार या जगत का सार है। इस बातों को मैं, इसी लाइन को मैं और क्लियर करता हूँ, आप उसको ध्यान से समझिएगा। जब शंकर ब्रह्म को जगत का सार या जगत का आधार या जगत का कारण बताते हैं तो उसको समझने के लिए हम दो बात को समझें कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है। जब ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है तो सवाल उठता है कि इस सृष्टि में जो विविध रूप हमको दिखाई पड़ते हैं या सृष्टि के नाना रूप जो हमको दिखाई पड़ता है वो कैसे संभव है? जब ब्रह्म एक है तो इतना विविध प्रकार का सृष्टि में तत्व या वस्तुएं कैसे निहित हैं? तो शंकर इस बात का स्पष्ट करते हुए एक नई अवधारणा को जन्म देते हैं जिसे कहा गया है माया। माया को अविद्या, भ्रम आदि रूपों में भी जाना जाता है। माया ब्रह्मा की एक प्रकार की शक्ति है। माया ब्रह्मा की एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर वह एकमात्र सत्ता से विविध रूप में परिवर्तित होता है और हम सबको ये सृष्टि एक न दिख करके अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। शंकर इस बात को स्पष्ट करते हुए जादूगर की अवधारणा, जादूगर की परिभाषा से स्पष्ट करते हैं कि जैसे कोई एक जादूगर जब जादू दिखाता है तो जादू के कारण जो दर्शक दीर्घा होते हैं उन्हें उसकी प्रवीणता कारण कुछ समझ में नहीं आता, परंतु उस जादू का असर जादूगर पर नहीं होता। उसी प्रकार ब्रह्मा एक जादूगर हैं और माया उनकी जादू है, और माया नाम रूपी जादू से वो इस सत्ता के विविध रूपों का निर्माण करते हैं, परंतु इस माया रूपी जादू का प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ता। इसी को माया की अवधारणा के रूप में भी शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है। तो इस आधार पर शंकराचार्य कहते हैं कि जो जगत है वह ब्रह्म का परिणाम नहीं है बल्कि वह उसका विवर्त है, उसका कारक है। उसका परिणाम नहीं है बल्कि उसका विवर्त है। इसी रूप में ही ब्रह्म को जगत का कारण शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा है। चौथा जो उसकी व्याख्या वो करते हैं वो इस रूप में करते हैं कि ब्रह्म भेदों से रहित है। भेदों से रहित कहने का तात्पर्य क्या है इस बात को आप समझिएगा। वेदांत दर्शन में तीन प्रकार के भेदों का वर्णन है। पहला भेद सजातीय भेद। सजातीय भेद कहने का मतलब जब एक ही प्रकार के वस्तुओं में भेद किया जाए तो उसे सजातीय भेद कहते हैं। जैसे दो मनुष्य हैं और दो मनुष्यों के बीच कोई तुलनात्मक या भेद किया जाए तो उसे हम सजातीय भेद कहेंगे, एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ भेद। दूसरा भेद आता है विजातीय भेद, जब एक वस्तु जो उससे कोई संबंध ना हो उसके साथ तुलना किया जाए,
जैसे मनुष्य की तुलना घोड़े के साथ की जाए तो इसे हम विजातीय भेद कहेंगे, मनुष्य और घोड़े की तुलना। जबकि तीसरा आता है स्वगत भेद। स्वगत भेद कहने का मतलब जब किसी वस्तु के उसके ही अंश या अंगों से तुलना किया जाए तो उसे स्वगत भेद कहते हैं। जैसे हम मनुष्य के आँख की तुलना उसके कान से करें तो इसे हम कहेंगे स्वगत भेद। शंकर के अनुसार ब्रह्म इन किसी प्रकार के भेद से परे है, उसकी किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। पांचवा पॉइंट जो शंकर ने ब्रह्म की व्याख्या में स्पष्ट किया है वह यह कि ब्रह्मा कारण से परे हैं, परिवर्तन से परे हैं। कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म विवर्त के रूप में कारण है परंतु जगत के परिणाम के रूप में कारण नहीं है। मैंने पहले ही स्पष्ट कहा था कि जिस प्रकार जादूगर पर जादू प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से ब्रह्मा की माया का ब्रह्मा पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए इसे कारण से परे माना गया है। पर किस रूप में? परिणाम के रूप में, विवर्त के रूप में उसे जगत का कारण या आधार माना गया है। परिवर्तन से परे कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा का न ही कोई विकास होता है और न ही कोई रूपांतरण होता है। परिवर्तन से परे कहने का तात्पर्य है न विकास न रूपांतरण। ब्रह्मा का चूंकि न विकास होता है न ही रूपांतरण होता है, इसीलिए ब्रह्मा को शंकराचार्य ने विकास से परे कहा है। अगला बिंदु जिसके आधार पर शंकर ने ब्रह्म की व्याख्या की है वह ये कि ब्रह्मा स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध कहने का तात्पर्य होता है कि ब्रह्मा को किसी भी प्रकार की प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण स्वयं सिद्ध, सॉरी, ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस रूप में शंकराचार्य ने ब्रह्म की व्याख्या की है। अगला बिंदु जिस पर शंकराचार्य ब्रह्म की व्याख्या करते हैं वह ये कि ब्रह्म त्रिकाल बाधित है। त्रिकाल बाधित, त्रिकाल बाधित का तात्पर्य होता है कि वह किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त है। बाधा से मुक्त, बाधाएं भी वेदांत दर्शन में दो प्रकार के वर्णित हैं, पहला प्रत्यक्ष बाधा, दूसरा संभावित बाधा। शंकर के अनुसार ब्रह्म के लिए किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, वह सही प्रकार के बाधाओं से मुक्त है। अंत में इसकी व्याख्या में दो बिंदु और भी हैं जिन्हें मैं यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ, आप इसे ध्यान से समझिएगा। आठवां पॉइंट के रूप में इसको परिभाषित करता हूँ। ब्रह्म को शंकराचार्य ने अनिर्वचनीयता के सिद्धांत के अंतर्गत रखा है, या मैं इसे स्पष्ट करते हुए कहूँ तो उन्होंने ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा है। अनिर्वचनीय का तात्पर्य क्या होता है इसे मैं स्पष्ट कर दूं। अनिर्वचनीय का तात्पर्य है कि जिसकी निर्वचन ना किया जा सके, जिसकी व्याख्या ना किया जा सके। अनिर्वचनीयता को मैंने पिछले वीडियो में भी आपको स्पष्ट किया था। इसी अनिर्वचनीयता को ही उपनिषदों में नेति नेति कह करके भी स्पष्ट कहा गया है। अनिर्वचनीयता का मतलब यह है कि शंकर यह नहीं बताते कि ब्रह्मा क्या है, बल्कि शंकर यह बताने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। अनिर्वचनीयता का तात्पर्य या उपनिषद का जो नेति नेति सिद्धांत है उसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि ब्रह्म क्या नहीं है, ब्रह्म क्या है के स्थान पर ब्रह्म क्या नहीं है की व्याख्या ही ब्रह्म की अनिर्वचनीयता या नेति नेति सिद्धांत कहलाता है। कंठोपनिषद है तो कंठोपनिषद ने इस बारे में स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मा सूक्ष्म नहीं है, ब्रह्मा स्थूल नहीं है, ब्रह्मा अंधकारमय नहीं है, अंधकार नहीं है, ब्रह्मा प्रकाशमय नहीं है, ब्रह्मा लघु नहीं है, ब्रह्मा दीर्घ नहीं है। इस तरह की जो व्याख्या है, ब्रह्म अशब्द है, ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म अगंध है, इस तरह की जो व्याख्या की जाए उसे ब्रह्मा का नीति नीति सिद्धांत या अनिर्वचनीयता का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपको एक लाइन में यदि इस बात को समझना हो कि ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का तात्पर्य क्या है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा की निषेधात्मक व्याख्या या नकारात्मक व्याख्या को ही ब्रह्म की अनिर्वचनीयता या नेति नेति सिद्धांत कहा जाता है। मैं चूंकि अनिर्वचनीयता पढ़ा रहा हूं तो एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रश्न आपको दिया गया है
ब्रह्मा की अनिर्वचनीयता के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए 100 शब्दों में। उसमें टाइपिंग मिस्टेक के कारण अनिर्वचनीयता के स्थान पर अनिवार्यता एक गलत टाइपिंग हो चुका है। आप सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर से मेरा अनुरोध है कि उसे अनिर्वचनीयता सुधार करके उसका आंसर राइटिंग करें, वह अनिवार्यता नहीं है। अगला बिंदु, शंकराचार्य ने जो ब्रह्म की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए समझाया है वह ये कि ब्रह्म सच्चिदानंद है। आप इस बात को स्पष्ट समझिएगा, उन्होंने ब्रह्मा को सच्चिदानंद के रूप में स्पष्ट किया। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। मैंने अनिर्वचनीयता के संबंध में कहा कि यह ब्रह्मा की नकारात्मक या निषेधात्मक व्याख्या है, जबकि सच्चिदानंद के संबंध में जो उन्होंने अपना व्याख्या दिया उसके अनुसार सच्चिदानंद ब्रह्म की भावात्मक व्याख्या है। भावात्मक व्याख्या कहने के मतलब इसमें एक पॉजिटिव सेंस है। यह तीन शब्दों से बना हुआ है, सत, चित, धन, आनंद। सत का तात्पर्य है जो सत्य है, रियल। चित का तात्पर्य है चेतना, कॉन्शियसनेस। और आनंद का तात्पर्य है सुख, जो दुख से रहित हो। इस प्रकार जो सत्य, चेतन और दुख से रहित हो उसे ही ब्रह्म के रूप में शंकर ने स्पष्ट किया है, इसीलिए ब्रह्म को सच्चिदानंद भी कहा गया है। अगला पॉइंट जिसके संबंध में शंकराचार्य ने ब्रह्म को स्पष्ट किया है वह ये कि ब्रह्म निर्व्यक्तिक है, अर्थात व्यक्तित्व से परे है। व्यक्तित्व से परे भी कह सकते हैं या निर्व्यक्तित्व या इम्प्रश्नल भी कह सकते हैं। ब्रह्म इम्प्रश्नल है या निर्व्यक्तिक है। व्यक्तित्व से परे कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व में भी दो तरह का बोध होता है, एक आत्म का सेल्फ और दूसरा अनात्म का। आत्म अर्थात सेल्फ, अनात्म मतलब नॉट सेल्फ। जो आत्म और अनात्म के भेदों से अर्थात व्यक्तित्व के परे से परे हो उसे ही ब्रह्म के रूप में शंकर ने स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में शंकर के अनुसार ब्रह्म की क्या क्या व्याख्याएं हैं उसको हमने समझा। हमने पहले शंकर के द्वारा ब्रह्म के संबंध में जो श्लोक कहा गया है उसको समझा। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य, परम सत्ता, परम ज्योति, जगत का सार, सर्वोच्च ज्ञान, ज्ञान का आधार, ज्ञान का सार उन्होंने कहा है। वे ब्रह्म की व्याख्या करते हुए अंत में कहते हैं कि यदि ब्रह्म का ज्ञान किसी व्यक्ति को हो जाए तो माया रूपी जो अविद्या है वह दूर हो जाता है और उसे ये नाना प्रकार का या विविध जो संसार में या सृष्टि में दिखाई पड़ता है उसका लोप होकर उसे सिर्फ एकमात्र सत्ता अर्थात ब्रह्म का ज्ञान होता है और वही एकमात्र सत्ता है, वही अंतिम सत्य है। इसे ही उन्होंने मोक्ष की अवस्था के रूप में परिभाषित किया है। अंत में मैं इसके निष्कर्ष को स्पष्ट करते हुए आपको समझाऊं, चाहे वह उपनिषद के अनुसार हो या ब्रह्म के अनुसार हो, सॉरी शंकर के अनुसार हो। शंकर ने ब्रह्म के संबंध में इस बात को स्पष्ट कहा है कि ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। अर्थात शंकर पूरी व्याख्या को स्पष्ट करने के बाद पश्चात आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता पर बल देते हैं और आत्म ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, जबकि उपनिषद के जो ऋषिगण हैं वे सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्थाएं मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, ब्रह्म अवस्था, इन सभी अवस्थाओं में मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके इस बात पर बल देते हैं कि जो आत्मचेतना है वही ब्रह्म है। मैंने फिर एक बार फिर से मैं इस बात को स्पष्ट करूं कि शंकर के अनुसार आत्मा और ब्रह्म में कोई अभिन्नता नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है, जबकि उपनिषदों के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर ऋषियों ने सिद्ध किया कि आत्मचेतना ही ब्रह्म है और इसी आत्मचेतना के आधार पर ही हमारे सभी इंद्रियों को, चाहे आँख, नाक, कान, कुछ भी इंद्रियाँ हैं, उन सभी इंद्रियों को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो हम निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रह्म विचार जो पेपर नंबर 6 दर्शन शास्त्र में हमारे सिलेबस में CGPSC मेंस के पेपर 6 में वर्णित है अब सभी को स्पष्ट हो चुका हो। आप मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए, पूर्ण विश्वास रखिए कि इसके बाहर का कोई प्रश्न मेंस में नहीं आने वाला है। आप इसे पढ़ करके अपने शब्दों में नोट्स बनाने का और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे अभ्यास प्रश्नों का उत्तर
लिख करके जरूर भेजने का प्रयास करें ताकि हम आपको उचित और सही मार्गदर्शन दे सकें ताकि आने वाली CGPSC की मुख्य परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त हो। साथ ही हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।